राजू के पापा ने एक बार मुझ पे हाथ उठाया था ऑलमोस्ट ऐसे करके आए हाँ। और बीपी इतना बढ़ गया कि गिर गए वहीं पे। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। वेलकम बैक टू माय चैट शो। मैं इतने टाइम से नहीं आई, आपने मुझे मिस किया। किया ना? मैंने तो नहीं किया। मैं गई थी छुट्टियां मनाने थाईलैंड। हाँ, प्लान तो था कि राजू के पापा भी जाए, पर ट्रिप से एक रात पहले ही मुझे बोलते हैं बिकिनी नहीं पहनने दूंगा। मैंने हो गई फिर लड़ाई फड़ाई हो गई थी, तो मैं और राजू चले गए थे। देख लो मेरी फोटो मैंने लगाई हुई है फेसबुक पे, देखो। तो अब मैं आ गई हूँ वापस एक और तड़कता भड़कता एपिसोड लेके, और आज मेरे इस एपिसोड में आई है मेरी ही तरह अपने पति से परेशान, नहीं नहीं पूरी दुनिया की बीवियों की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक का बजट था, तापसी पन्नू। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा जान के आप भी पति से परेशान हैं। अरे हम तो हमें 12 साल हो गए। चाय पिएगी? नहीं। अच्छा है, हमें पसंद नहीं। तो एक बात बता कि एज मदर इंडिया, लाइक आई एम मदर इंडिया, ओके। तो मुझे तो बड़ा ही इतना प्राउड फील होता है, ऐसा मेरा गदगद हो जाता है, जो है सीना ऐसा चौड़ा गार्डन गार्डन। हाँ एकदम। हमारी जो एक लड़की है इतना अच्छा काम कर रही है बॉलीवुड में, बाहर से आके ऐसे एकदम छाप छोड़ी है, तो जैसे मैं वर्ल्ड फेमस हो गई वैसे आप तू भी हो गई है, तो कैसा लग रहा है? अरे अरे, ये अभी पता चला मुझे मैं वर्ल्ड फेमस हो गई, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बोल दिया ना, अब हो गई। ओके भाई साहब, मैंने तो फेसबुक पे आजकल 12-13 लाइक भी आ जाते हैं, मतलब 12-13 लाइक। अरे अरे अरे, थोड़ा मेरे तरफ ट्रांसफर करना। हाँ, मैं तेरे को ऐसे शेयर टू शेयर वाला कर दूंगी, कोलैबोरेट कर लेंगे। अच्छा अच्छा, ओके। तो आज मैंने मेरे सोपे सोचा कि कुछ अलग किया जाए, कुछ नया लेके आए हम मार्केट में। तो मैं जो हूँ ना अपने मोहल्ले की वो हूँ अग्नि आंटी होती है ना, कभी कभी एंग्री आंटी भी होती हूँ मैं। हाँ। पर मोस्टली अग्नि आंटी होती। अच्छा, हूँ। जैसे किसी को कोई भी परेशानी हो, शादी ब्याह से पोते से लेके पिछवाड़े के फोड़े तक, मैं सब ठीक कर देती हूँ। कोई तेरे को नहीं होगा बेटा, होता है। हाँ, अच्छा। लोगों को बड़ी बड़ी परेशानी होती है आजकल। अच्छा। हाँ, तो मैं एकदम खलास कर देता हूँ। तो तुझसे मिलके मैंने सोचा कि हम दोनों जो है रिलेशनशिप के क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अग्नि आंटी अग्नि आंटी खेलेंगे आज। ओके, है ना? क्या तूने पहले कभी कुछ सॉल्व किया है बता? ऑफ कोर्स राजू की मम्मी, मेरे मोहल्ले में भी काफी लोगों की रिलेशनशिप इश्यूज है, लोगों की डेट प्रॉब्लम्स, प्रेजेंट और एक्स से भेजे जाने वाले टेक्स्ट तक सब ठीक कर देती हूँ मैं। चलो फिर अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड नहाने के बाद तौलिया बिस्तर पे फेंक देते हैं, इस समस्या का उपाय बताएं। मैं कह रही हूँ वो तौलिया उठा के इनके सिर पे सुखा दो। मैं तो कहती हूँ कि तौलिया ही मत दो, जाओ अपना काम खुद करो, यही बात है। सेकंड क्वेश्चन, मेरी धर्म पत्नी रोटी गोल नहीं बनाती, मैं क्या करूँ? अच्छा, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग शेप्स क्यों नहीं चाहिए ना, तभी तो इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, मुझे तो लगता है ऐसे जैसे आजकल इतना रोटी मैंने देखा, मैंने आज मैं वहाँ गई थी, मैंने तो टको खाया, वो टको भी रोटी होता है, बरिटो भी रोटी होता है, तो रोटी तो किसी भी प्रकार से हो सकती है ना। हाँ, तो किसी भी शेप में भी हो सकती है, अलग शेप्स की रोटी। हाँ, मैं तो भैया पराठा भी जो होता है तिकोना बनाते हैं ना राजू। हाँ? तिकोना ट्रायंगल है, थप्पड़ खाएगा ये। तो देखो भाई साहब, रोटी से खाने से मतलब है मिल रही है चुपचाप खा लो, अगर कचरा पचरा करने की जरूरत नहीं है, वरना वो भी बंद हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पति मुझे ड्राइविंग नहीं सीखने देते, कहते हैं गोल पराठे बना लो वही बहुत है। अच्छे बच्चों बताओ, है इनको कैसे पता चला? ये तो मेरी पिक्चर का डायलॉग है। अरे मैंने लिख लिया होगा चीटिंग। अरे आपने चीटिंग क्यों कर ली, फिर टिकट देके नहीं देखेंगे मेरी पिक्चर? ओहो, कट कर दो भैया, कट कर दो ये क्वेश्चन। पर मैं फिर भी ये बोलना चाहूंगी कि मैं जो चलाऊंगी, चलाना चाहूंगी वो चलाऊंगी, गाड़ी हो चाहे बैलगाड़ी हो या बेलन हो, क्या मतलब, दैट इज वेरी वेरी ट्रू। अगला क्वेश्चन, मेरे वाइफ ऑफिस से लेट आती है और मैं भूखा रह जाता हूँ, क्या करूँ? ऑर्डर कर लो ना, मतलब आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं। हाँ। मैं भी ऐसी करती हूँ, तो क्या बड़ी बात है, मतलब आपके पास इंटरनेट नहीं है कि ऐप नहीं है? मेरे ख्याल से दिमाग की कमी है यहाँ। हाँ। मर्दों को ऐसा लगता है कि उनमें जो ऐसा लगता है उनमें थोड़ा सा पैदा होते हैं तो दिमाग जो है आधा ही आता है। ओ। एक साइड से कम हो रहा है, एक साइड से कम हो रहा है आजकल, देखा जा रहा प्रजाति ऐसी कुछ आ रही है नहीं। ओहो, फिर हमें शेयर करना पड़ेगा, वापस से ऐसे बैक इन टाइम जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा दिमाग खरीद लीजिए, या मतलब कई बार दुकान में सेकंड हैंड भी मिलते हैं, ले लीजिए वहाँ से, या तो खाना बनाना सीख लीजिए वरना ना चप्पल यहीं से पड़ेगी। मेरे हस्बैंड मुझे उतना पैसा नहीं देते जितना मुझे चाहिए, पिछले हफ्ते मुझे किट्टी में सेम साड़ी पहन के जाना पड़ा जो 6 महीने पहले भी पहनी थी, सबने मेरा मजाक उड़ाया। अरे देखो भैया, अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो मर्द और नारी दोनों करें। हाँ। या तो काम कर लो, ले आओ पैसे, वो क्यों देगा भैया तुम्हारी साड़ी के पैसे? साड़ी उल्टी करके पहन लो, डिफरेंट हो जाएगी। अरे स्टाइलिंग कर लो, फैशन ब्लॉगर इतने सारे आ गए हैं। हाँ, प्लीज। मैं तो साड़ी बहुत रिपीट करती हूँ, ये अच्छी लग रही है मुझे, ये जो फेदर वाली साड़ी है ना, ये बहुत सुंदर है। आजकल फेदर बड़ा फैशन में आया ना, देखा नहीं था आजकल पार्टी में लोगों ने फेदर फेदर पहना था, तो मैंने वहीं से उठा लिए, दो चार लगा लिए। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर काम में अच्छी होती
होती तो मुझसे ज्यादा कमा रही होती। हाय राम, क्या करें ऐसे मर्दों का। अब मैं उनकी वेट करूंगी, उनका काम छूटेगा ना तो फिर बताते हैं उनको कि कैसा लगता है जब कम कमाते हैं तो। हाँ, पहली बात तो ना जाके पढ़ाई करो कि क्यों होता है, औरतों को कम क्यों दिया जाता है। वो किसी मर्द ने डिसाइड किया होगा कि औरतों को कम पैसे देने चाहिए। हाँ, जबकि डबल काम करते हैं हम। पर चलो कोई नहीं, देखो जो काम जैसा कर रहा है इक्वल पेमेंट होनी चाहिए। और अगर तुमसे कम कमा रहे हैं तो क्या इज्जत तो उतनी है ना हमारी भी। चलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ। मेरी वाइफ ने गुस्से में मुझ पे हाथ उठाया, हम अकेले थे पर मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा, क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। जी ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको लग रहा है आपकी वाइफ आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो आप बिल्कुल खुले हो कि आप जाकर डिवोर्स दे सकते हो अपने वाइफ को। आप डिसाइड करो। सही बोल रही हूँ ना? ये बात तो बिल्कुल सही है। आपने मारा है क्या? नहीं, हमने नहीं मारा। मारना मत प्लीज, हम तो बस बेलन चलाते हैं। मतलब राजू को, राजू पे, राजू पे भी नहीं। क्या बोल रही थी? नहीं मारो उसको भी मत मारो, बड़ों के मारेगा। अच्छा साइकोलॉजी है तो। हाँ। अरे अरे तभी इसका बाप है। अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं। तापसी एक आखिरी सवाल बता दे। Have you ever been in love? हाँ, किया है, कई बार किया है, और हर रोज किया है, और फिर अफसोस भी किया। ये तो पोएम बन गई। लिख ले राजू, तू अपने रेसिटेशन में बोल दियो ये दीदी की पोएम है। हाँ। तो मैं तो बड़ी देखो ओपन माइंडेड जो है औरत हूँ मैं, है ना राजू? हैं बिल्कुल। कल को हाँ, मैं तो कल इसको चार गोलगप्पे भी खिलाए थे। हैं तो तापसी तेरी अगली फिल्म में जो है यही समस्या है ना कि तेरे पति ने तुझ पे हाथ उठाया जी, पर देखो मार नहीं सकता। नहीं मार सकता है ना राजू के पापा ने। मैं बात बताती हूँ, अब देखो वैसे तो मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं मेरा शो, पर आज मैं क्या ही देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं रो दी थी कि राजू के पापा ने एक बार मुझ पे हाथ उठाया था ऑलमोस्ट ऐसे करके आए और बीपी इतना बढ़ गया कि गिर गए वहीं पे वहीं। पर वो तो भगवान की कृपा थी, मतलब ऐसा हो गया। पर तब से हमने उनसे प्यार करना जो है छोड़ दिया। अब हम किससे प्यार करते हैं? लियोनार्डो डिकैप्रियो। रहते किसके साथ हो? लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ। अरे सपनों में तो वही रहते हैं हम तो लियो के साथ में। देखो अभी वो हमें मनाने की कोशिश करते हैं तो देखेंगे साल दो साल चार साल दस साल बाद अगर कभी मन किया माफ करने का तो करने, नहीं किया तो अभी जिंदगी निकल रही है। हम तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट। लियो तो है ही है। हाँ वरना लियो है। हाँ। तेरा क्या कहना है इस बारे में? थप्पड़। बिल्कुल सही है। आपको देखना है अगर क्या हो सकता है अगर आप ऐसे हाथ उठाओगे तो 28 फरवरी को मेरी पिक्चर आ रही है थप्पड़, वो जरूर देख। अरे भैया बड़े सीमलेस तरीके से इंटीग्रेशन कर दिया थी लड़की ने। 28 फरवरी को आ रही है हमारी बिटिया की फिल्म थप्पड़, जाके देख लेना वरना यहीं से चप्पल फेंक के मारेंगे। नहीं नहीं हम नहीं मारेंगे, हमने भी अब से डिसाइड कर लिया है कि हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, ये हम वचन लेते हैं। हाथ उठाएंगे सिर्फ हाई फाइव के लिए। यस ओके टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना और बता देना तापसी कितनी सुंदर लग रही है आज, पूरे कपड़े पहन के आई। पूरे कपड़े। टाटा टाटा आजा आजा तू। Hit the bell icon and get notified every time we post a new video.